बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों की पुलिस इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस ने सांसद की हत्या के मामले में उनके बचपन के दोस्त के शामिल होने की बात कही है, लेकिन अब इस मामले में हनी ट्रैप का एंगल भी सामने आ रहा है। लाश के टुकड़े करने वाले कसाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद अनवारुल की हत्या मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को शक है कि सांसद को हनी ट्रैप का झांसा देकर कोलकाता के फ्लैट में बुलाया गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज में अनवारुल को एक पुरुष और एक महिला के साथ फ्लैट में जाते हुए देखा जा सकता है। इन दोनों शख्स को बाद में फ्लैट से बाहर आते और अगले दिन दोबारा फ्लैट में जाते भी देखा गया, लेकिन सांसद को फ्लैट से कभी बाहर आते नहीं देखा गया। लेकिन ये दोनों आरोपी बड़े ट्रॉली सूटकेस लिए फ्लैट में दाखिल होते देखे जा सकते हैं। पुलिस का कहना है कि एक सुनियोजित हत्या है। सांसद के एक पुराने दोस्त ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए बहुत बड़ी रकम, लगभग 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। शुरुआती जांच में ये पता चला था कि सांसद के दोस्तों में से एक दोस्त ने उनकी हत्या के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने अनवारुल अजीम अनार की हत्या में कथित संलिप्तता को लेकर गुरुवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसने हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक लाश के टुकड़े करने वाले आरोपी कसाई ने कबूल किया है कि उसने 4 लोगों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था और फिर मृतक की खाल तक उतार दी थी। बंगाल सीआईडी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इस गिरफ्तार आरोपी ने कबूल किया है कि अख्तर अजमा के आदेश पर उसने और अन्य 4 बांग्लादेशी नागरिकों ने कोलकाता के न्यू टाउन स्थित फ्लैट में सांसद की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने फ्लैट में पूरे शरीर की चमड़ी उतार दी, सारा मांस निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि पहचान को मिटाया जा सके। इसके बाद आरोपियों ने सब कुछ पॉलिथीन में पैक कर दिया, हड्डियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पॉलिथीन में पैक कर दिया। बाद में पॉलिथीन के इन पैकेटों को फ्लैट से बाहर निकाला, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधनों का इस्तेमाल कर मृतक के शव के टुकड़ों को कोलकाता के अंदर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। गौरतलब हो कि राज्य सीआईडी को उस न्यू टाउन फ्लैट के अंदर खून के धब्बे मिले और कई प्लास्टिक के थैले मिले, जहां सांसद की हत्या हुई थी। उनका मानना है कि प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल शरीर के अंगों को फेंकने के लिए किया गया था। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य से पता चलता है कि सांसद की पहले गला घोंटकर हत्या की गई, फिर उनके शव को कई हिस्सों में शत विशत कर दिया गया। लापता सांसद कथित तौर पर इलाज कराने के लिए 12 मई को कोलकाता पहुंचे थे। उनकी तलाश 6 दिन बाद तब शुरू हुई जब उत्तरी कोलकाता के बड़ा नगर के निवासी और बांग्लादेशी राजनेता के परिचित गोपाल विश्वास ने 18 मई को स्थानीय पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।